तो पावर प्ले में रोज हमारी कोशिश होती है ऐसे शेयरों को आइडेंटिफाई करने की जिनके पैटर्न्स में, जिनके चार्ट्स में कुछ बढ़िया चेंजेस हो रहा हो और आपके लिए मौके बन रहे हों, खास तौर से आखिरी घंटे के ट्रेड को लेकर। तो वैसे तो हम चार एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, लेकिन आज नुरेश नहीं है, आज हमारे साथ इन्हीं एक्सपर्ट हैं। लेकिन शुरुआत वैशाली और रुचित से हम कर लेते हैं। वैशाली जी, आपके पास आएंगे, बताइए दो फ्रेश स्टॉक्स आपके कौन से हैं जहां पर आप लास्ट आवर के ट्रेड के लिए दांव लगाना चाहेंगी? एक तो सन फार्मा है 969, एंड आई थिंक ऐसे माहौल में डिफेंसिव स्टॉक्स ही ठीक रहेंगे। सो 969 स्टॉप लॉस 960 एंड टारगेट वुड बी 985। और दूसरा है जैसे कि मैंने बताया जेके सीमेंट, आई स्टिल मेंटेन माय बायस ऑन जेके सीमेंट, वॉल्यूम भी अच्छे से चल रहा है। सो 2849 स्टॉप लॉस 2800 एंड टारगेट 2920। ओके, तो सीमेंट काउंटर्स हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के रेडार पे है, और पावर प्ले में जो दो काउंटर्स वैशाली के रेडार पे हैं वो है सन फार्मा और साथ ही जेके सीमेंट, दोनों पे ही बाय कॉल्स आती हुई। पर रुचित, आपसे समझेंगे आपके पास कौन से हैं पावर स्टॉक्स? सबसे पहले तो आदित्य बिरला कैपिटल रहेगा, जहाँ पे हमने एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर ऑफ लेट देखा है, स्टॉक में एक अच्छा मूव फिर से रिजम्पशन हो रहा है। तो करंट लेवल्स पे आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी की जा सकती है 153 के स्टॉप लॉस से 165 तक के टारगेट्स के लिए। और HPCL मेरा दूसरा पिक रहेगा, जहाँ पे हमने OMCs में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा प्राइस अप मूव देखा है। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से फिर से कंसोलिडेशन है, बट ये कंसोलिडेशन में उसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो इस स्टॉक ने अब तक इंटैक्ट रखे है। सो मैं लग रहा है कि OMCs का मोमेंटम अब तक खत्म नहीं हुआ है, ये जस्ट थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम चार्ज का ओवरबॉट था, तो थोड़ा कंसोलिडेशन और अब फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे 242 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, सॉरी 241 के स्टॉप लॉस से HPCL में खरीदारी की सलाह रहेगी, 253-254 के टारगेट्स करें। तो ये स्टॉक रुचित के रडार पर आदित्य बिरला कैपिटल और HPCL 241 के स्टॉप लॉस से आपको लेना है 253 के टारगेट्स के लिए। ये दो शेयर रुचित की तरफ से, और वैशाली ने भी अपने शेयर बता दिए हैं। कुणाल हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। कुणाल बताइए, आप वो दो शेयर बताइए जो बाजार की थोड़ी सी ना मूड को चेंज करें, सुस्ती का माहौल है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक है लेकिन वो छोटे स्टॉक्स में है। आपके रडार पर कौन से शेयर हैं अभी? तो दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, थोड़े से हाई बीटा स्टॉक्स पे रहेगा। पहला DLF पे बाय कॉल रहेगा, काफी दमदार स्टॉक का चार्ट था लास्ट 4 से 5 दिन पहले भी, 2 दिन पहले से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरे अनुमान से एक नेक्स्ट लेग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपूव के लिए रेडी हो रहा है DLF। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए, 400 का टारगेट रख सकते हैं, तो करीबन यहाँ से 8 से 10% का अपटिक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक पे। स्टॉप लॉस रख सकते 355 का। और IDFC लिमिटेड ये एक ऐसा जो स्टॉक है जिसने बहुत ही अच्छा पोटेंशियल रिकवरी दिखाई है लास्ट 5 से 6 महीनों में, अब फिलहाल वापस से ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन एंड करके एक न्यू ट्रेंड के तरफ जा रहा है, तो इसको भी मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे 86 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 78। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स बाजार में अभी बाय कॉल देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे कुणाल भी दो बाय कॉल्स आपके लिए लेकर आए हैं। पर कुणाल, अगर अभी हम देखें तो गेल के चार्ट पे एक बार आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर पिछले 5 मिनट में एक जबरदस्त स्पाइक आया है इसमें। क्रिस गेल हो गया ये जी, क्रिस गेल हो गया बिल्कुल। अब देखिए करीब 1.8% के यहाँ पे मजबूती दिखा रहा है। कुणाल, क्या कुछ चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, क्या ये जो तेजी एक सडन स्पाइक है इसमें हिस्सा लेना चाहिए, कुछ ब्रेकआउट्स आप चार्ट पे आते हुए देख रहे हैं? तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है सृष्टि, बट मेरे अनुमान से इसको ट्रेड में शायद कैरी ओवर ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, इसको इंट्राडे ही प्ले करना चाहिए। मेरे अनुमान से हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक एक 108-109 के बीच में सेटल हो जाए, रेंज वाइज आज के रेजिस्टेंस वाइज। तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या इंटरडे ट्रेडर्स यहाँ पे अगर इंट्राडे खेले तो बेनिफिशियल होगा। 107 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो करीबन 1 से 1.5% की एक और उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे जो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स है ये एक कंसोलिडेशन में जा रहे हैं, तो अगर ये हायर एंड ऑफ द रेंज पे आ जाते हैं तो एक अच्छा रेंज बन जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। तो गेल में बाय की सलाह दूंगा, बट इंट्राडे ट्रेडर्स ही यहाँ पे ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। गेल को लेकर ये भी लेकिन सृष्टि, यही वो लेवल्स हैं गेल में जब हम देखते हैं कि शेयर थोड़ा चलने की कोशिश करता है 80 से 100 रुपए वाली रेंज से, और यहाँ आके थक के सारी की सारी हवा निकल जाती है। ये गेल आप उठा के देख लीजिए, पिछले कई साल में ये हमने पैटर्न देखा है। तो स्लो मूवर है,
2% हालांकि शेयर ये चढ़ गया है 107 रुपये के आसपास ये आ गया है। लेकिन हम शोभा की जो चर्चा कर रहे थे ना सृष्टि, उसमें खबर ये है कि आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके तमाम प्रेमाइसिस पे इनके दफ्तरों पर रेड्स किए गए हैं और उसके चलते ही ये प्रेशर बना है। अब ये 13% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है दिन के निचले स्तरों के आसपास। और करीब करीब हमने देखा था शुरुआती सत्र में कमजोरी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये 450 रुपये के नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये कंपनी की तरफ से भी कंफर्मेशन ये आ गया था और उन्होंने एक्सचेंजेस को ये जानकारी भी दे दी थी कि उनके प्रमाइसिस पर ये रेड किया गया है और उनके स्टाफ से कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है और उसमें पूरा सहयोग किया था उन्होंने, कंपनी ने ये भी जानकारी उन्होंने साझा की है। लेकिन बाजार को पता नहीं क्या डर सता रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनको निश्चित तौर पर सतर्क रहना चाहिए अगर कोई पोजीशन बनानी बनाई है तो। कुणाल, एक बार आपसे भी जानेंगे आप क्या सजेस्ट करेंगे शोभा के स्टॉक को लेकर, और एक बार जरा ना जाते जाते निफ्टी का व्यू भी शेयर कर दीजिए साथ में, क्योंकि हम पिछले 4 घंटे से कोई खास एक्शन नहीं है, 17,100 से 17,150 के बीच ही निफ्टी रहा है। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा मामला कुछ अलग होगा, थोड़ा ट्रेंड रिवर्स होगा आखिरी घंटे में? तो शोभा की बात करूंगा तो आई थिंक ट्रेंड में ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, क्योंकि अभिषेक अगर हम लास्ट 4 से 5 महीने का चार्ट भी देखें सितंबर के आसपास, तो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। हालांकि एक या दो सेशन कहीं वो एक 200 डीएमए उसने क्रॉस किया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये इंडिकेट होती है कि ये स्टॉक एक वीकर स्टॉक होता है जिसमें ट्रेंड काफी कंसिस्टेंटली नेगेटिव होता है। तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि ऐसे स्टॉक्स में और बुरी खबर आई है। हो सकता है स्टॉक अगर ओवरसोल्ड हो जाए आने वाले कुछ एक दिनों में, तो वहां पे एक अच्छी कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इसको फिलहाल तो मैं वेट एंड वॉच पर रखूंगा, इनिशिएट नहीं करूंगा बाय के लिए। निफ्टी की बात करेंगे तो आज एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, बिकॉज यू नो मैं 2 दिन से ये आपको इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट्स में पुट राइटिंग बहुत अग्रेसिवली हो रही है। 39,000 की फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी में हुई थी, कल 39,500 में शिफ्ट हो गई। आज जो है वो कॉल राइटिंग वापस से ऊपर के आ रही है, तो 40,000 की जो स्ट्राइक है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग हो रही है। तो करीबन 17,150 के आसपास निफ्टी में भी वो लेवल देख रहे हैं। उस वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट जितनी भी माइल्ड रैलीज आ रही है वो बार बार 40,000 पे आके बैंक निफ्टी अटक रही है, बिकॉज यहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग हो रही है जो करीबन 1.5 गुना ज्यादा है पुट राइटिंग से। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस से एक सीलिंग पे आ गया है। हो सकता है कि 1 या 2 दिन का विराम लेगा मार्केट और पॉसिबल है कि कल तक शायद कंसोलिडेट करे। फ्राइडे को मुझे लग रहा है कि एक सेकंड राउंड ऑफ अपसेट आ सकता है इंडेक्स में। इंडेक्स में जो पॉजिटिव नजरिया है कुणाल का वो अभी भी बरकरार है। हो सकता है कि आज और कल थोड़ा सा सुस्त चाल देखने को मिले इंडेक्स के फ्रंट पे, पर फ्राइडे को फिर से एक तेजी की उम्मीद की जा रही है। भूलिएगा मत कि एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, फेड की बैठक, उसका डिसीजन पे हम कल रिएक्ट जरूर करेंगे। पर